हेलो, वेलकम टू एवी डिजाइनर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित। इलुस्ट्रेटर की सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपको इलुस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर भी फोटोशॉप की तरह इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और सीखने में उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मज़ा मुझे सिखाने में आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं शेप्स की, कि इलुस्ट्रेटर में शेप्स कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है वो वेक्टर बेस्ड है, मतलब कि वो पॉइंट्स में काम करता है। तो जब भी हम कुछ भी उसमें ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक्स वाई वैल्यू बनती है, राइट। तो अब क्या है कि हम उसमें कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई लाइन है या कोई शेप है, वो भी एक्स वाई वैल्यू पे, मतलब टू डिमेंशन पे फॉर्म होगा। तो जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्रिएट होगी, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए सॉफ्टवेयर में जानते हैं ये कैसे होगा। जैसा कि हमने बेसिक फंडामेंटल क्लास में समझा था कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितना भी हम कुछ भी को हम कुछ देखते हैं, कोई भी हमारी पिक्चर है, कुछ भी है, वो शेप के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। और अब हम जानेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर वो शेप्स कैसे यूज करते हैं। शेप यूज करने के लिए हमारे पास ये एक सेक्शन है जिसके ऊपर मैं अगर राइट क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस शो होते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट है M और एलिप्स टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट है L। तो अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर टूल के लिए, मेरे पास यहाँ पर एक प्लस का साइन एज ए कर्सर आ रहा है। अगर मैं किसी एरिया पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर बनना शुरू हो जाता है और साइड में मुझे उसकी एक्स वाई वैल्यू हाइट और विड्थ पॉइंट्स में मिल रही है। जब मैं लेफ्ट क्लिक को रिलीज करता हूँ तो वो मेरी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि जो शेप है ये वेक्टर तो है, और इसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने फोटोशॉप क्लास में समझा था कि जो हमारा वेक्टर पाथ होता है, जो हम पेन टूल से क्रिएट करते हैं, वो कभी भी हम एडिट कर सकते हैं। उसी तरह इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम शेप यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कभी भी ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर जब हमारी कोई हम शेप रेडी कर रहे हैं और उसकी जो एजेस है, अगर वो शार्प एज है, तो हमें वहाँ पर एक डॉट मिलती है जिसको क्लिक करके हम उस एजेस को राउंड कर सकते हैं। अगर आप एक साइड की एज को राउंड करना चाहते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन, मतलब कि अगर आप कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करते हो तो आपको सिर्फ उसी पॉइंट का एक डॉट मिलेगा, और अगर उस डॉट को आप ड्रैग करते हो तो आप सिर्फ उसी साइड की एज को राउंड कर सकते हो। इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आपने एक फिक्स साइज की शेप रेडी करनी है, मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर चाहिए पर उसकी साइड आप डिसाइड करो कितनी है, ना कि आप इसको रैंडमली सेट करो, तो आप रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करो और एंटर क्लिक कर दो। उसके बाद आपसे विड्थ और हाइट पूछी जाएगी उस शेप के लिए। जैसे मैं यहाँ पर 500 विड्थ और 300 हाइट करता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बनता है जिसकी हाइट और विड्थ मेरी डिजायर्ड हाइट विड्थ के एग्जैक्ट सेम है। अगर आप चाहते हो कि जब आप रेक्टेंगुलर क्रिएट कर रहे हो इसकी हाइट और विड्थ सेम हो, मतलब कि ये एक क्यूब या स्क्वायर हो, तो उस केस में आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हो जिससे कि उसकी जो हाइट और विड्थ है वो यूनिफॉर्मली ही जनरेट होगी और यूनिफॉर्मली ही बड़ी होगी। जैसा कि अभी हमने देखा, जब हम रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर रहे थे तो जो हमारी शेप है वो एक साइड से तो साइज उसका इंक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड से वो सेम उसी पोजीशन पे है। तो अगर आप चाहते हो कि वो सेंटर से इक्वली सभी साइड्स पे इंक्रीज हो साइज, तो आप ऑल्ट के साथ अगर आप रेक्टेंगुलर बनाओगे तो वो सेंटर से ही उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और अगर आप ऑल्ट होल्ड करके साथ में शिफ्ट भी प्रेस करते हो तो उसकी जो साइड्स हैं वो यूनिफॉर्मली और सेंटर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर आप इक्लिप्स लेते हो तो वो भी एक ओवल शेप जनरेट करता है, बट अगर आप उसमें शिफ्ट प्रेस करते हो तो वो एक एग्जैक्ट सर्कुलर शेप आपको जनरेट करके देगा, और उसके साथ ही अगर आप ऑल्ट भी क्लिक कर देते हो तो वो सेंटर से सेम विड्थ और हाइट के साथ आपको सर्कल जनरेट करके देगा जिसका साइज आप चेंज कर सकते हो और वो पिक्सलेट नहीं होगा। इसी तरह हमें कुछ कस्टमाइज शेप्स भी मिलती हैं, जैसे पॉलीगोनल स्टार, राउंडेड रेक्टेंगुलर। तो अगर मैं बात करूँ पॉलीगोनल की, तो पॉलीगोनल बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सिक्स साइड्स वाला मिलता है, बट अगर आप यहाँ पर इसकी साइड्स ज़्यादा या कम करना चाहते हो
तो आप इसको अभी जैसे मैंने ये होल्ड करा हुआ, मैंने अभी इसको रिलीज नहीं किया, होल्ड कर अगर आप कीबोर्ड पर अपर साइड और डाउन साइड का बटन क्लिक करते हो तो आपका इसकी शेप में उतनी ही साइड्स ऐड और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हो जो इसकी साइड्स हैं वो इसका साइज बड़ा या छोटा करने टाइम पर चेंज ना हो, यूनिफॉर्म रहे, तो आप शिफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करो, जिससे कि इसकी जो साइड्स हैं वो पूरी डायगोनली कट में रहेगी, अपनी एक्चुअल पोजीशन पर रहेगी और रोटेट नहीं होगी। इलस्ट्रेटर में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वेक्टर टूल है और आप इसकी शेप को कभी भी एडिट कर सकते हो, तो शेप को एडिट करने के लिए आप ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो आप इसको मूव कर सकते हो, और अगर आप न्यू पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो तो पेन टूल के साथ आप किसी भी साइड पर कहीं भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो और उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।